हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के अंदर यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल ड्रॉ और एनवेलॉप एक्सट्रूड कैसे यूज करेंगे। बहुत एडवांस ऑप्शन होता है, कोई भी आप 3D में टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सारे ऑप्शन का यूज करते हैं। तो कोरल ड्रॉ आप ओपन कर लें, जो कि हमने पहले वीडियोज में आपको बताया हुआ कोरल ड्रॉ कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पे डिस्टॉर्ट कैसे यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, कोई भी किसी टाइप का आप लोगो एस्टैब्लिश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिस्टॉर्ट का मतलब नष्ट करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ रेड कलर में, और इसकी आउटलाइन भी चाहे तो मैं यहाँ से नोन कर देता हूँ। अब क्या है, मुझे इसको डिस्टॉर्ट करना है, तो इजिली आप यहाँ पे डिस्टॉर्ट पे क्लिक करें। डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट आ जाते हैं, आपको जिस टाइप में आपको प्रीसेट बनाना है, मान लीजिए मुझे इस टाइप में बनाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इजीली। और इसकी सेटिंग है, आप यहाँ पे आप जितना करना चाहते हैं जितना ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल रिजिड कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट आपको नॉर्मल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे आप चाहते हैं इस टाइप में क्रिएट करें, इस टाइप में तो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइप में हो रहा, आप यूनियन आर का देखे होंगे लोगो, या किसी भी टाइप का लोगो बनाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इस तरह से कोई भी लोगो आपको यदि बनाना है तो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल ए डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप शैडो आता है, इस हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे नाम वोम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और चाहते हैं कि उसके पीछे शैडो आए, मतलब हल्का सा परछाई टाइप में आपने देखा होगा किसी शेड पे, तो उस स्थिति में करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख रहे हैं अशोक कुमार, और यहाँ से ऑलरेडी पता होगा एक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर लेते हैं। उसके बाद से मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज कर लूँ ऐसे, और शेडो लगाना है तो आपको इस टूल के अंदर जाएँ और शेडो सेम आपको जैसे सेलेक्ट करेंगे इसके प्रॉपर्टी में इस टाइप में आपको शेडो लगाना है लगा सकते हैं। ये वाला शेडो काफ़ी अच्छा है, और इसको पकड़ के आप जिस साइड में ले जाएंगे उस साइड में इसका शेड बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे शेड आ रहा, देखेंगे अभी यहाँ पे शेड क्लियर होता है। क्लिक करें यहाँ पे क्लिक कर दे, क्लिक कर देखेंगे यहाँ पे